मेरा नाम मुजफ्फर है, मैं डिस्ट्रिक्ट पुलवामा से हूँ। कुछ महीने पहले मेरी कमर में दर्द तकलीफ हो गई क्योंकि हमने एक बाहरी मशीनरी उठाने की कोशिश की और जिससे मेरा जो स्पाइन है उसमें दबाव पड़ गया, तो मेरी इसमें इन्वॉल्वमेंट डाई टांग की हो गई। तो फिर मैंने बहुत वहाँ कोशिश की कि किस तरीके से रिलीफ पहुँचे। आखिर मैंने अपोलो हॉस्पिटल डॉक्टर राहुल साहब से कॉन्टेक्ट कर दिया थ्रू फोन से ही, और उसके बाद हमने सर अपॉइंटमेंट ली यहाँ की। उनका MRI और एक्सरे जब हम लोगों ने स्टडी करा तो उसमें सिवियर लंबर केनाल स्टेनोसिस नामक परेशानी थी, जिसमें कि कमर में नसों के दबने के वजह से पेशेंट को पैरों में सायाटिका का दर्द होता है और कमर में दर्द होता है। ना मैं रात को सो सकता था और जब भी कभी कभार मुझे नींद आने की कोशिश होती थी ऐसी पेन लग जाती कि मैं संभल नहीं सकता था उस पेन से। तो हम लोगों ने उनकी स्पाइनल डीकम्प्रेशन और फिक्सेशन सर्जरी यहाँ पे अपोलो हॉस्पिटल में सफलतापूर्वक करी और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड सर्जरी का रिजल्ट भी बहुत अच्छा रहा और मेरा डॉक्टर साहब ने ऑपरेशन कर दिया मेरे स्पाइन में। आज मैं खुद अपने पैरों पर चल सकता हूँ और आज सुबह मैं खुद बाथरूम भी गया ऐसे, और तीसरे दिन हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर घर जा सके। डॉक्टर साहब राहू पर्सनल एक्सपीरियंस से बहुत साबर माइंडेड हैं, बहुत डेडिकेटेड डॉक्टर साहब हैं। मैं शुक्रिया ही नहीं कह सकता हूँ, मैं उसका हज़ार बार थैंक यू अदा करना चाहता हूँ डॉक्टर राव साहब का और इस अपोलो हॉस्पिटल का। यहाँ सब लोगों ने अनथक मेहनत करने के बाद तो मैं अपने पाँवों पर चलने के काबिल कर दिया फिर। तो आजकल आधुनिक उपलब्धियों की वजह से इस तरह की जटिल समस्याओं का भी बहुत अच्छे से सफलतापूर्वक इलाज किया जा सकता है। इस तरह की सर्जरीज का आजकल की टेक्नोलॉजी की यूज़ करते हुए सक्सेस रेट लगभग 99% के करीब रहता है। अगर स्पाइन संबंधित कोई भी आपको परेशानी हो या कोई जानकारी चाहिए हो तो आप हमें व्हाट्सएप पर या ईमेल पर संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।